आइए प्रिय महानुभव, आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाते हैं। भारत की वीर नारी जो झांसी की रहने वाली है, झांसी की रानी के नाम से विख्यात हुई, मशहूर हुई, ऐसी क्या उसके अंदर वीरता थी जिसके कारण वो आज भी बच्चे बच्चे में ये मशहूर है, बच्चे बच्चे के भावना में मशहूर है। तो आइए चलते हैं थोड़ा समय लेकर के झांसी की रानी की कहानी का विस्तार करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में झांसी की रानी ने क्या, कैसे और किस तरह से अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया और हार न मानते हुए अपने आप का आपको खोना पड़ा। १९ नवंबर १८२८ में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, जो वाराणसी में हुआ था। इनकी माता बड़ी प्यारी थी, जिनका नाम भागीरथी था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होने के बाद 4 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवासी हो गए। पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा महल में नौकरी करते थे। जब उन्होंने जाना कि मेरी धर्मपत्नी स्वर्गवासी हो गई है और अब मेरी बेटी का कोई लालन पालन करने वाला नहीं, तो हम अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर के जाएंगे और वहीं इसकी जो है पढ़ाई होगी और वहीं इसका लालन पालन होता रहेगा। पिता मोरोपंत रानी लक्ष्मीबाई को साथ में ले जाकर के बिठूर के पेशवा महल में ठहराया, वहीं लालन पालन किया, वहीं शिक्षा दीक्षा दिलवाई। रानी लक्ष्मीबाई शास्त्रों में बहुत निपुण थी, तलवारबाजी करने में भी बहुत महान थी, धनुर्विद्या में भी बहुत परवीर थी, घुड़सवारी युद्ध कौशल में भी बहुत निपुण थी। घुड़सवारी में उन्हें बेहद बहुत प्यार था। एक उनका घोड़ा भी सारंग नाम का था। बताते चलें कि पेशवा महल के पास आज भी वो पुराना कुआं है जहां रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आया करती थी। बिठूर के पेशवा महल में लालन पालन हुआ, कुछ समय बीता तो समय बीतने के बाद में १८४२ में मराठा शासक झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह संपन्न हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। धीरे धीरे समय बीता, 1851 में एक बेटे का जन्म हुआ जो अस्वस्थ होकर के 4 महीने के बाद में उसने अंतिम श्वास ली।
1853 में पति राजा गंगाधर राव की भी अस्वस्थ हो जाने के कारण स्वर्गवासी हो गए। अब क्या था, अब रानी लक्ष्मीबाई पे दिन पर दिन एक से एक समस्या खड़ी होती जा रही थी। कुछ समय के बाद में अंग्रेजों का आना हुआ और झांसी में किले को देखा तो उनके मन में बस गया, बोले ये तो अपने पास होना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा रानी लक्ष्मीबाई से, कहा कि आप ये जो है किला रहने के लिए हमको प्रदान कर दें बेहतर होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा किला है, मेरे देश का किला है, मैं देश की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी गंवा सकती हूँ, पर किला नहीं किसी को दे सकती। 1857 में अंग्रेजों से कहा सुनी हुई धीरे धीरे दिन प्रतिदिन विरोध होता गया, युद्ध की तैयारियां होने लगी। युद्ध शुरुआत हुआ, कई बार रानी लक्ष्मीबाई ने धूल चटाई अंग्रेजों को। जब अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लगी तो 7 मई 1858 को लक्ष्मीबाई झांसी से सुरंग के सहायता से कालपी पहुंची और जो है वहां उनको किसी प्रकार से सहायता नहीं मिली तो वो फिर वो जो है वापिस आने के लिए तैयार हुई तो अंग्रेज का कप्तान ह्यूरोज उनके पीछा करता रहा अब पीछे करते करते भांडेर के पास मुकाबला हो गया और गंभीर रूप से रानी लक्ष्मीबाई को घायल कर दिया। घायल जब रानी लक्ष्मीबाई हो गई, उनके साथ में कुछ सिपाही भी थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। 18 जून 1858 को अंग्रेजों से युद्ध करके ऐसी गंभीर तरह से घायल हुई तो जब उनका शरीर काम करना बंद कर दिया, क्षमता नहीं रही, तब सिपाही ने किसी तरह से उनको ग्वालियर में स्थित बाबा गंगादास की कुटिया आश्रम में ले गए और वहाँ उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस ली। प्रिय महानुभव, हमारे देश में ऐसी बहुत सी नारी हैं जो आज भी निडर रह करके देश की सेवा कर रही हैं, वो सदा सम्मान की पात्र हैं, सदैव देवी के रूप में अवतीर्ण हैं और इस देश की रक्षा कर रही हैं। इसीलिए हम आप नारी का सम्मान करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे।